तो इंडियन फैंस आपने बताना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या इंडिया को T20 में कैरी करना चाहिए। क्या इंडिया ये डिसाइड कर चुका है कि उनको विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर ही आगे T20 में मूव करना है। सुनने में तो यही आ रहा है इंडिया में कि BCCI ने अंदर खाते इन्फॉर्म कर दिया है अजीत अगरकर को और हार्दिक पांड्या को कि हमारा आगे जो वे फॉरवर्ड है वो यही है। और ये एक तल्ख हकीकत है कि इंडिया की T20 टीम ने पिछले 3-4 साल में भी आप देखें डोमिनेट नहीं किया। मतलब अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग चला रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग और उसके बाद भी आपको आवेश खान जैसे प्लेयर टीम में डालने पड़ते हैं, आपको आपका बॉलिंग यूनिट आपको बड़ा वीक मिल रहा है, तो फिर सोचने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं। आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि विराट कोहली ने इंडिया पाकिस्तान के MCG वाले मैच में T20 की तारीख की क्या शायद क्रिकेट की हिस्ट्री की बेहतरीन नॉक खेल दी थी। ठीक है, वो T20 फॉर्मेट में थी, इस चीज का थोड़ा सा एज रहता है इंडिया के पास, विराट कोहली के पास, कि शायद वो कम बैक T20 में कर ले, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप है अगला वो अभी दूर है और उससे पहले एक इंडियन प्रीमियर लीग पूरी IPL विराट कोहली को मिलेगी, ऑब्वियसली रोहित शर्मा को भी मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंडिया को बड़ी जल्दी यह समझ जाना चाहिए कि रोहित शर्मा उनके कैप्टन नहीं है जो उनको वर्ल्ड कप जितवा सके। मैंने कल की वीडियो में भी उस पर बात की, मैं दोबारा वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता। अगर एक लाइन में आपको कहूं, बड़ी लेजी अप्रोच है रोहित शर्मा की, बड़े अनफिट बंदे हैं वो। जब विराट कोहली या रोहित शर्मा में से किसी एक को कैप्टन बनना था तब विराट कोहली बन गए थे। सो इंडिया ने बहुत लेट कैप्टन बनाया है रोहित शर्मा को और बड़ी जल्दी इनको पांड्या को कैप्टन बना देना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन ये नहीं करेंगे। अच्छा, T20 में ये पांड्या को अनाउंस करते हैं क्योंकि इनको पता है कि पांड्या ही इनका फ्यूचर कैप्टन है। वर्ल्ड कप में जो मर्जी रिजल्ट हो, लेकिन वर्ल्ड कप का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा रोहित शर्मा की कप्तानी में, क्योंकि बड़े लेजी कैप्टन है और लेम एक्सक्यूजेस पे बहुत बिलीव है इनका। T20 में आपने देखा कि इंडिया ने अपनी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो टीम अनाउंस की है उसमें दोबारा से रोहित शर्मा और विराट कोहली को ड्रॉप किया गया है, और शायद ये एक क्लियर मैसेज भी है कि हमने अब सीनियर्स के साथ विराट और रोहित के साथ आगे नहीं जाना। आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली KL राहुल के ऊपर भी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप से पहले फिट होंगे। कभी उनकी न्यूज आती है कि वो फिट हैं, आप जसप्रीत बुमराह को देख लें, मतलब वर्ल्ड कप से पहले जसप्रीत बुमराह का फिट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पिछले दिनों न्यूज आई थी कि इंडिया की ये ख्वाहिश है, BCCI की ये ख्वाहिश है कि आयरलैंड में जसप्रीत बुमराह को खिलाया जाए, जिसकी तैयारी के लिए NCA में उनको 10-10 ओवर के प्रैक्टिस मैच भी करवाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये न्यूज आई कि बुमराह अभी खुद ही एडमिट करते हैं कि हम 70% फिट हैं। और आपको याद होगा कि रवि शास्त्री ने भी इस पे स्टेटमेंट दी थी कि बिल्कुल जल्दी नहीं करनी चाहिए इंडिया को बुमराह को टीम में लाने के लिए। हमने बड़ी दफा देखा वो आते हैं जाते हैं, आते हैं 2-3 ओवर डालते हैं, फिर उनको कोई इंजरी निकल आती है। सो मतलब अगर आपके पास बुमराह नहीं है वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, और आपकी बॉलिंग वैसे ही बड़ी वीक है, तो मतलब मुझे वाकई बड़े मुश्किल टाइम नजर आ रहा है। होता है ना, बॉलर्स में एक टेरर होता है, एक खौफ होता है। अभी तक इंडिया को उमरान मलिक को बना देना चाहिए था। देखिए, उमरान मलिक के पास एक एक्सप्रेस पेस है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन जो एक्सप्रेस पेसर होते हैं ना, इनको बनाना पड़ता है, साथ कैरी करना पड़ता है। हमने देखा IPL में शुरू में उमरान मलिक ने जिस तरह पूरी दुनिया में डोमिनेट किया, पूरी दुनिया के बैटर्स के अगेंस्ट डोमिनेट किया, उसके बाद जब वो इंटरनेशनल में आए तो उनको मार पड़ी, जो कि नॉर्मल चीज है। उसके बाद आपने अगर उनको बनाना है तो आप उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, आपके जो IPL के प्लेयर्स हैं, उनको आदत ही नहीं है 154-155 का तेज बॉल खेलने की। तो उमरान ने तो नीचे जाके परफॉर्म करना ही करना है, वो नीचे परफॉर्म करेगा वो दोबारा टीम में आ जाएगा। सो बेसिकली आप उसको साथ रखें, आपको ये तल्ख हकीकत पता होनी चाहिए कि बुमराह के बाद अगर अभी फिलहाल शामी भी नहीं है तो आपकी बॉलिंग बड़ी वीक है। एक अर्शदीप सिंह है जो कि मतलब ठीक है, उसको जब कुट पड़ती है तो बहुत ज्यादा कुट पड़ती है, लेकिन वो इन सबसे बेहतर बॉलर है। आपके पास अगर आवेश खान जैसा बंदा मौजूद है, आपकी बॉलिंग बड़ी वीक है। सो उमरान मलिक को इंडिया को बड़ी पहले बना देना चाहिए था, अभी इसको साथ कैरी करें ताकि आपकी बॉलिंग थोड़ी सी मजबूत हो, क्योंकि अगर ऊपर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है और आपकी यंग लॉट आप आगे लेके जा रहे हैं, तो यंग लॉट ठीक है इंडिया की बड़ी अच्छी है, ईशान किशन को आप ले लें, आप जसवाल को ले लें, आप सूर्या कुमार यादव को ले लें,
पांड्या खुद ले लें, जडेजा को आप ऑब्वियसली साथ कैरी करेंगे, वर्ल्ड इवेंट में बड़ा प्लेयर है, फिलहाल रेस्ट में है। सो बैटिंग में कहीं ना कहीं आप यंगस्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, बड़े मैच में जब यंगस्टर आपके आपके कोलैप्स करेंगे तो नीचे आपकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। सो मुश्किलात तो हैं बॉस। सो इंडियन फैंस, आपने बताना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या इंडिया को T20 में कैरी करना चाहिए, क्योंकि क्लियर इंडिकेशन है कि फिलहाल BCCI के प्लान्स में ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है।